कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया है। गुना पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार द्वारा चलाए जा रहे शराब मुक्त अभियान के तहत बीनागंज और चाचौड़ा पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर बीनागंज क्षेत्र के कई इलाकों में शराबियों को धरपकड़ शुरू की, जिसमें तकरीबन एक दर्जन से अधिक शराब पीने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सभी को मेडिकल जांच के बाद ही जमानत पर रिहा किया जाएगा। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय बनारस श्री राहुल साहब ने हमको निर्देश दिए हैं गुना जिले के सभी थाना प्रभारियों को कि शाम को 5 बजे के बाद शराब के ठेकों के बाहर जो लोग खुले में शराब पीते, साहब का कहना है वो लोग ही अक्सर शाम को चोरी, लूट, डकैती, मारपीट और एक्सीडेंट जैसे अपराध हैं शराब की वजह से होते हैं। लोग पीना ठीक है, अपने घर जाकर पिए, अपने कलम बैठे, लेकिन खुले में शराब पीना गैरकानूनी है। और चूँकि अपनी चाचौड़ा सब डिवीजन में 34 पुलिस एक्ट लागू है, तो 34 पुलिस एक्ट की जो धारा 6 है उसके तहत हम लोगों ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ आज 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। उनके खिलाफ न्यायालय में इस्तीफा से पेश किए जाएंगे, उसके बाद न्यायालय उनको जो भी उचित जुर्माना होगा करेगा। आपकी अच्छी पहल है, पर यह पहल आगे भी जारी रहेगी क्या? ये पहल जब तक खुले में लोग शराब पीते रहेंगे तब तक जारी रहेगी, जब बंद हो जाएगी वो लोग पीने बाहर तो हम बंद कर देंगे। ठीक है।